यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबरें अभी तक विशेष एवरी शी हीरो अ वेरी हैप्पीएस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज की दुनिया में वुमन हर फील्ड में आगे हैं, तो वही हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं है। आज के जमाने के साथ ही फिल्म मेकर्स ने अपने आप को मोल्ड कर एक्ट्रेसेस को लीड रोल में तो रखा ही है, पर साथ ही वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स भी बनाई हैं। एंड विद नो डाउट आर एक्ट्रेसेस हैज डन अ ग्रेट जॉब एवरी टाइम। प्रियंका चोपड़ा ने हर रोल में अपने आप को प्रूव किया है, फिर चाहे वो सात खून माफ में सात रोल प्ले करना हो या फिर मैरी कॉम की बायोपिक फिल्म में उनका रोल करना हो। पीसी ने बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी एक अच्छी पहचान हासिल कर ली है। फिल्म पद्मावत के लिए दीपिका पादुकोण को मेल एक्ट्रेस से भी ज्यादा पे किया गया था। दैट्स हाउ वी नो इट्स द एरा ऑफ वुमन। फोर्ब्स के लिस्ट के अकॉर्डिंग दीपिका वॉज अमंग्स द टॉप 5 रिचेस्ट इंडियन सेलेब्स। वही कंगना रनौत भी पीछे नहीं है, उन्होंने तनु वेस मनु में अपने आप को प्रूव किया और साथ ही वुमन ओरिएंटेड क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्म्स के जरिए सभी के दिलों में जगह बना ली। वहीं एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जिन्हें ट्रॉल किया जाता था, बट नाउ शी इज काउंटेड द मोस्ट टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। शी इज आलिया भट्ट। आलिया ने फिल्म राजी में प्रूव कर दिया कि मैन ही नहीं बल्कि वुमन भी देश के लिए अपनी जान पर खेल सकती है। सोनम कपूर ने भी फिल्म निर्जा में दिखा दिया कि वुमन किसी से कम नहीं है। शक्ति इंडिया, कहानी, इंग्लिश विंग्लिश, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, नील बटे सन्नाटा जैसी कई ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने सभी वुमन को एक होप दी, उन्हें इंस्पायर किया। बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो रियल लाइफ में एक मदर होने का तो रोल प्ले करती ही है, पर साथ ही ऑन स्क्रीन भी जो भी रोल प्ले करती है उसमें चार चांद लगा देती है। फ्यूचर में भी बॉलीवुड ऐसी फिल्म्स लेकर आने वाला है जो हम सभी को एंटरटेन के साथ साथ इंस्पायर भी करने वाली है। एंटरटेनमेंट डेस्क, कल्याणी वडेरा, खबरें अभी तक।